चिल्ड्रन वेलकम टू माय क्लास। आपने मेरे पहले वीडियो भी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ट्रेस कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेमिंग लाइन। तो पहले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि स्टेमिंग लाइन क्या होती है, उसको कैसे करते, कौन सी लाइन में लिखते, कौन से डॉट को कौन से साथ मैच करना है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डॉट ड्रॉ किए हुए, उसमें पहले फर्स्ट डॉट टॉप पे पेंसिल को रखना है, उसके बाद उसको नीचे वाले डॉट के साथ ज्वाइन करना है, उसके बाद थर्ड डॉट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। वैसे ही नेक्स्ट में सबसे टॉप पे पेंसिल को रखनी है, उसके बाद सेकंड डॉट, उसके बाद थर्ड डॉट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट फिर से वही लाइन सेकंड को साथ मैच करेंगे, उसके बाद थर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। देन अगेन सेकंड डॉट के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद थर्ड डॉट के साथ, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। बच्चों को ऐसे ही सिखाना है कि फर्स्ट डॉट को सेकंड के साथ, सेकंड डॉट को थर्ड के साथ ज्वाइन करना है। सेकंड डॉट के साथ, उसके बाद थर्ड डॉट के साथ हमें ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड के साथ, उसके बाद थर्ड डॉट के साथ मैच ज्वाइन करना है। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। तो पहले मैंने थ्री डॉट में कैसे स्टेमिंग लाइन बनानी वैसे मैंने सीखा। उसके बाद मैंने आप देख रहे टू डॉट ड्रॉ किए, उसमें कैसे स्टेमिंग लाइन बनानी वो मैं सिखाऊंगी आपको। सबसे पहले टॉप पे पेंसिल रखनी है, उसके बाद लाइन को धीरे धीरे से नीचे ले जाना है और ये डॉट के साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से वैसे ही करना है, ये यहाँ पे पेंसिल रखनी है, उसको नीचे ले जाना है और ये वाले डॉट के साथ ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे से उसको नीचे ले जाना है और ज्वाइन करना है। टू डॉट में कैसे स्टेमिंग लाइन करनी है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर से यहाँ पे पेंसिल रखनी, धीरे धीरे से उसको नीचे ले जाना, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ पे पेंसिल रखना है टॉप पे, धीरे धीरे से पेंसिल को नीचे ले जानी है और ये वाले डॉट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट फिर से वही डॉट को हम नीचे ले जाएंगे और ये वाले डॉट के साथ मैच करेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। तो आप देख रहे हैं पहले मैंने 3 डॉट में कैसे स्टेमिंग लाइन बनानी वो सिखाया, उसके बाद 2 डॉट में कैसे स्टेमिंग लाइन बनानी वो सिखाया, उसके बाद नेक्स्ट 1 डॉट में कैसे स्टेमिंग लाइन बनानी वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो डॉट पे पेंसिल रखनी है और वही लाइन को नीचे से धीरे धीरे से खींचना है और बनानी है स्टेमिंग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट अगेन डॉट को डॉट पे पेंसिल रख के उसको धीरे धीरे से नीचे ले जाना है और ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। नाउ देन अगेन फिर से वही वैसे ही करना है, डॉट पे पेंसिल रखनी है और धीरे धीरे से उसको नीचे ले जाना है, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। फिर से डॉट पे पेंसिल रखनी है, धीरे धीरे से उसको नीचे ले जाना है और ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। बच्चों को वैसे ही सिखाना है, पहले 3 डॉट में, 2 डॉट में और उसके बाद 1 डॉट में डॉट पे पेंसिल रखनी है, उसको धीरे धीरे से उसको नीचे ले जानी है, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। नाउ देन अगेन फिर से डॉट पे पेंसिल रखनी है, उसको धीरे धीरे से नीचे प्रेस करना, नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। तो पहले 3 डॉट में 1 डॉट को सेकंड डॉट के साथ, उसके बाद थर्ड डॉट के साथ मैच करना है, तो ये हमारी बन जाएगी स्टेमिंग लाइन। उसके बाद नाउ देन अगेन फिर से 2 डॉट पे कैसे स्टेमिंग लाइन बनानी, पहले ये डॉट पे पेंसिल रखनी है, उसके बाद सेकंड डॉट के साथ उसको ज्वाइन करना है और थर्ड में मैंने आपको